हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए हैं हॉकिंस रिलेटेड आपकी कई सारी क्वेरीज हैं कि मैम किस प्रोफाइल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है क्या क्वेश्चंस आएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि यू डोंट हैव टू पैनिक आप लोग इसे पैनिक मत होइए कि यू uh, नो you know, कि कहीं से बस क्वेश्चंस पता चल जाए और आप उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे ऐसा आप सोचकर पैनिक मत होइए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं हॉकिंस के रिलेटेड दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स है बेसिक कैलकुलेशन है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है और इंग्लिश का जो भी पार्ट है दैट इज वेरी इजी जहां तक आप लोगों का सवाल है है कि मैम इस प्रोफाइल के लिए क्या क्वेश्चंस आएंगे एचआर प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे तो इस सब क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद हॉकिंस की वेबसाइट पर मिल जाएगा मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है अगर आपने गो थ्रू किया है उस प्रोफाइल को अप्लाई करने के पहले एज अ वेरी सिंसियर कैंडिडेट यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस पर एक्चुअली काफी इजी होता है कि कहीं से बस हमको जवाब मिल जाए आंसर मिल जाए और हम उसको कॉपी पेस्ट कर दें आप लोग प्लीज इस तरीके का अप्रोच मत रखिए बिकॉज इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यूज और एनी ऑफ द कंपनी प्लेसमेंट ओके सो डोंट टेक इट अदरवाइज बट दिस इज द ट्रूथ रेडीमेड एंसर्स काम में नहीं आते हैं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की कुछ एक टिप्स हैं जो मैं आपको अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए देना चाहूंगी और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप में से कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि मैम प्लीज सिलेबस बता दीजिए हॉकिंस का क्या होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली आपने भी पढ़ा होगा देखा होगा जब आप अप्लाई करते हैं उसमें लिखा होता है कि किसी भी तरीके के ऐसे क्वेश्चन आप उनके एचआर से भी ना पूछें और ना मेल करें कि क्या पूछा जाएगा एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत इलेवेंट सवाल होता है किसी से ये पूछना कि मैम इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा अगर आप इतने मैच्योर हैं अगर आप किसी कंपनी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको पता है कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं जो इंजीनियरिंग और एमबीए के स्टूडेंट्स हैं जो यू नो सीए कर रहे हैं जो लीगल लॉ के स्टूडेंट हैं दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू बट टू सॉल्व योर डाउट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चन आपके सहूलियत के लिए ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है तो देखिए इस तरीके का एडवर्टीजमेंट था राइट मैनेजमेंट ट्रेनिंग पैकेज इतना होगा कंफर्मेशन के बाद टेन टू ट्वेल्व लैक का पैकेज मिलेगा हॉकिंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था अब बात कर लेते हैं वेरियस प्रोफाइल्स की ठीक है आप लोगों का भी सवाल यही है कि मैम सेल्स मार्केटिंग का सिलेबस बता दीजिए इंजीनियरिंग का सिलेबस बता दीजिए ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएगा लीगल में क्या पूछा जाएगा आपके ये डिफरेंट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको इस जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें ही मिल जाएगा देखिए बेसिकली ब्रॉडली अगर डिवाइड किया जाए तो चार तरीके के फेजेस हैं या चार तरीके का क्वेश्चन का सेट है जो पूछा जा रहा है जो मैंने दो इंटरव्यूज अपलोड किए हैं प्रवी और एक और जो एस्पिरेंट है हॉकिंस के विष्णु प्रवी और विष्णु दोनों ने अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लेरिफाई किया है कि जो आपका चार एक आप बोल रहे अगर सेक्शन है एक सेक्शन पूरा एप्टीट्यूड है ठीक है तो जिसमें बेसिक मैथ्स आपसे पूछी जा रही है दूसरा जो सेक्शन है उसमें आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट लॉस इस तरीके के क्वेश्चन हैं या ब्रोशर रिलेटेड क्वेश्चन हैं हॉकिंस रिलेटेड क्वेश्चन हैं अगर आप किसी भी डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मोस्टली अभी तक जितना मुझे आइडिया है तो चाहे अगर आप सेल्स मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है या फिर एक दो और प्रोफाइल्स हैं अकाउंट्स कमर्शियल इनके लिए अगर आप अप्लाई करें ये पैटर्न तो अभी तक इन सारे स्टूडेंट से पूछा गया है जिन्होंने भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है मुझे अभी टेक्निकल का ज्यादा अंदाजा नहीं है पर हां इंजीनियरिंग में भी स्टूडेंट को यही प्रोफाइल यही सेट ऑफ क्वेश्चन दिए गए थे जैसा कि विष्णु ने बताया था क्योंकि विष्णु ने इंजीनियरिंग टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था ही इज फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड तो उसको भी यही सेट ऑफ क्वेश्चन मिले थे और प्रवी जिन्होंने एच के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था उनके भी सेट ऑफ क्वेश्चन में यही चीजें थी और ये सिमिलैरिटी है तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपके यू you नो know, चार सेक्शन है तीन सेक्शंस तो सेम है सभी के लिए ओके एक सेक्शन है दैट इज डोमेन रिलेटेड तो अगर आप सेल्स मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपसे सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड आपके कोई भी कॉन्सेप्ट हैं वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट हैं ठीक है या अगर आप टेक्निकल की बात कर ली जाए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं अगर आपने अप्लाई uh, किया है फॉर uh, यू नो इलेक्ट्रिकल या सिविल या टूल डिजाइन मैन्युफैक्चर तो आप लोगों ने जो भी अपना ग्रेजुएशन में स्टडी किया है जो एक बेसिक यू नो बेसिक एक क्वेश्चन होते हैं बेसिक डोमेन जो नॉलेज होता है उसके बारे में ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है विष्णु तो उनको फ्लुइड मैकेनिक्स और इस तरीके से आप उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं दोबारा उनसे उनके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक आपका जो यू नो सेक्शन है डोमेन है उसका आपको एक नॉलेज होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स प्रोग्रामर्स की अगर बात की जाए ठीक है तो यहाँ पर ही डिफाइंड है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वन और मोर ऑफ दी प्लस प्लस अभी तक इंप्लॉइज ऑफ लिंगडन आई एम स्टिलेट रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैम कुछ लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की है बट आई हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम आई एम स्टिलई आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि स की तरफ से ये चीजें बिल्कुल यू you नो know, इस चीज को वो लोग नहीं करने देते हैं कि उनके इंप्लॉइज आगे चलकर बताएं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल ओके अगेंस्ट दियर रूल्स तो आपको कुछ भी ऐसा रिटर्न फॉर्मेट तो कहीं नहीं मिलेगा तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि जो आप डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डोमेन का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेल्स मार्केटिंग के हैं तो बेसिक पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होती है ना सेल्स के अगर कोई चीजें आपने पढ़ी है बेसिक वो आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बेसिक जो पहला है वो मैथ्स है कैलकुलेशन है एप्टीट्यूड है अभी तक बात करने से यही पता चला है जो दो इंटरव्यूज मैंने कंडक्ट किए चार लोगों से मेरी बात हुई इस बारे में एंड एवरीबडी टोल्ड की बहुत ही बेसिक से एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे गए कुछ भी इतना टफ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा बस आप क्योंकि उस चीज को अभी फेस नहीं किया है तो आप काफी डर रहे हैं यू आर प्लानिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज देयर ओके बट मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूं कि ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेसिक एप्टीट्यूड बेसिक इंग्लिश बेसिक ब्रोशर प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके के कैलकुलेशंस आपको निकालनी पड़ सकती है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में विच आई वॉन्ट टू टेल यू नाउ जैसे कि सेल्स मार्केटिंग है ठीक है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहले ही बता दिया गया है कि इसमें सेल्स एक्सपीरियंस अगर है और अगर आप मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सेल्स मार्केटिंग का प्रोफाइल था अब जाहिर सी बात है मार्केटिंग और सेल्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो एक यू नो सेल्स पर्सन या मार्केट जो जिसका मार्केटिंग सब्जेक्ट रहा उसको पता होना चाहिए इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अकाउंट्स कमर्शियल की बात की जाए तो अकाउंटिंग इंटरनल ऑडिट कॉस्टिंग कॉर्पोरेट अकाउंट्स बजटिंग एंड कंट्रोल ये सारी चीजें अगर आपको पहले से जॉब डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है हॉकिंस वालों ने तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चंस जो आपके आएंगे डोमेन रिलेटेड वो इन्हीं के इर्द गिर्द यू नो घूमते होंगे इसी से रिलेटेड होंगे जैसे कि अकाउंटेंसी स्प्रेडशीट की बात की गई है तो हो सकता है आप लोग यू नो एम ऑफिस रिलेटेड एक्सेल रिलेटेड अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ क्वेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल मैं एग्जैक्टली exactly आपको नहीं बता सकती हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट आपको जो बुकलेट मिलती है वो बुकलेट कभी भी आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलती है हॉकिंस की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर मिलता है अगर आपको वो क्वेश्चंस याद रह गए हैं तो भले ही आप आने वाले टाइम में मुझे हेल्प आउट कर सकते हो कि मैम मुझे ये क्वेश्चन याद है ये पूछा गया जैसे कि विष्णु प्रवि और जतिन ने मुझसे शेयर किया कि मैम ये क्वेश्चन आए थे इतने मुझे याद हैं तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया सो so, यही एक बस चीज है जिसके थ्रू मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ राइट तो ये चीजें आप ध्यान में लेट इस मूव अहेड ह्यूमन रिसोर्स वाले बच्चे बोल रहे थे मैम क्या पूछा जाएगा तो प्रवी हैज अप्लाइड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसका इंटरव्यू एक बार आप देख लीजिए आज ही मैंने प्रवी से फिर से कनेक्ट किया मैंने उससे पूछा कि प्रवी अगर आपको याद आ रहा हो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था तो आप मुझे वो रिकॉल करके बताओ सो so, प्रवी हैज टोल्ड मी दैट जैसे ही uh,

एज फार एज आई नो दैट इज नॉट अ गारंटी हंड्रेड परसेंट पर मुझे यही लग रहा है कि सारा पैटर्न सेम है अपार्ट फ्रॉम ओनली वन सेक्शन जहां पर आपसे जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है बाकी सारे क्वेश्चंस सारे लोगों के लिए सेम है अब यहाँ पर आप लोगों से हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं है सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है आपको सारे डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन को राइट right? और आपको सारी चीजों को सॉल्व जो करना है दैट ऑल्सो यू हैव टू डू इन द द्रफ्ट स्पेस विच इज प्रोवाइडेड इन दुकलेट इन द क्वेश्चन पेपर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्क्राइब करना चाहती हूं ठीक है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजमेंट ये एक पोस्ट निकली है और इसमें ये लिखा है कि कोई भी ब्राइट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन का हो वो अप्लाई कर सकता है अब आप लोगों को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं तो एक ब्रॉडर टर्म पे देखा जाए तो आपको कोऑर्डिनेट करना होता है राइट डेली कैलेंडर्स ऑफ सीनियर मैनेजर्स यू हैव टू प्लान देयर अपॉइंटमेंट्स इवेंट यू हैव टू एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव इंप्लाइज एंड क्लाइंट तो इन चीजों को देखते हुए हो सकता है आप लोगों से इस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए इस फील्ड में हो सकता है आपसे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट बट क्योंकि ये चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तो आप लोगों से हो सकता है कि यू you नो know, uh, डेली कैलेंडर्स में कुछ चीजें अगर ऑर्गेनाइज करने के लिए हो सकता है कहीं जाएं अगर हो सकता है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कैसे यूज करते हैं इन चीजों से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चंस आपको मिलें या फिर ऑफिस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं ईआरपी वगैरह से रिलेटेड हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ओके अगेन आई एम टेलिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट इट नाउ ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो होती हैं ठीक है प्लानिंग अपॉइंटमेंट्स इवेंट क्रिएटिंग रेगुलर रिपोर्ट्स एंड अपडेट इंटरनल डेटाबेस एक रिपोर्ट आप कैसे क्रिएट करोगे या एमआईएस पे कैसे काम करोगे ठीक है इस तरीके के मे बी क्वेश्चन हो सकता है कि आ सकते हैं मिल सकते हैं और जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं अगर कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी इन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं रिटर्न एग्जाम फेस कर चुके हैं तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज सामने आए और बाकी लोगों की हेल्प करें ठीक है ऐसा नहीं है कि आप बता देंगे आपके आंसर्स तो इससे आपके कैंडिडेचर पे कोई फर्क पड़ेगा ओके यू शुड हैव योर ओन स्ट्रांग प्रेजेंस इफ यू हैव अप्लाइड एंड डोंट थिंक इट लाइक की आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी ऐसा नहीं होता इट विल बी अ वेरी गुड जेस्र ऑफ योर्स इफ यू कैन कम एंड यू कैन हेल्प आउट अदर्स हु आर इन नीड ऑफ दिस जॉब ओके तो टेक्निकल uh, इंजीनियरिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि टूल डिजाइन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट डिजाइन इनसे रिलेटेड भी कई सारी वैकेंसीज निकली है तो आप बस जिस भी फील्ड के हैं आप उससे रिलेटेड आपका जो बेसिक्स है उसको क्लियर रखें ठीक है प्रोग्रामर्स जिस जो भी अप्लाई कर रहा है ठीक है सी बैकग्राउंड के अगर हैं तो आपको इनमें से हो सकता है कोई भी एक क्वेश्चन uh, पूछा जाए सी प्लस प्लस एस क्वेल विजुअल बेसिक जावा इससे रिलेटेड सो दीज आर द बेसिक थिंग्स बिट आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इन टुडे इस वीडियो सो दैट ऑल डोंट गेट पैनिक और हाँ जितने भी स्टूडेंट्स हॉकि प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल दिरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अलग अलग स्लॉट्स में आपको ये ई मेल रिसीव होंगे फर्स्ट एक जो स्लॉट है उन लोगों का रिटर्न एग्जाम हो चुका है जी डी पी आई स्टिल अभी पेंडिंग है जिन बच्चों ने फेबिया अप्रैल में अप्लाई किया था ये मेल्स अब उनको रिसीव हो रहे हैं आप लोगों को मैंने ये भी देखा कॉयमत में कि कई सारे लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं कि मुझे मेल अभी रिसीव नहीं हुआ है प्लीज वेट फॉर योर टर्न स्टेट वाइज कभी कभी ये चीजें पहले भी ऐसा हुआ था कि आ, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही उन लोगों ने मेल को फ्लोट किया था तो डोंट गेट पैनिक आपको मेल अभी रिसीव नहीं हुआ है हो सकता है आपको एक आध दो दिन में आप लोगों को भी मेल रिसीव हो दूसरा पॉइंट ये है कि अभी सिर्फ आपको सेंटर्स चूज करने के लिए बोला गया है अभी कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है कि आपका ये रिटर्न टेस्ट कब होगा जब कोविड नाइनटीन का सिचुएशन यू नो इट विल बी ऑल टेकन केयर ऑफ तभी आपको सेंटर्स अलॉट होकर और उसके बाद ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम में इतना ज्यादा पैनिक मत हो इधर उधर भी आ, कितनी सारी वेबसाइट्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हर जगह ऐसे अंधाधुन जाकर मत चीजों को टटोलिए जो ऑथेंटिक वेबसाइट से वहां जाकर देखिए ग्लास डोर पर जाकर आप चीजों को सर्च कर सकते हैं वहां पर लोगों के रिव्यूज हैं कई सारी चीजें मैंने वहां से रिसर्च की हैं कई सारी चीजें मैंने लिंकडिन के थ्रू रिसर्च की हैं और ये आपको आज का वीडियो मैंने दिया है ये सारी चीज़ें मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि आप लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर होता है कोई भी टफ पेपर नहीं है अभी आप आप लोग इतने छोटे भी अब नहीं है कि अब नहीं कि लोगों को एक एक क्वेश्चन क्या आएगा यू you नो know, ये आपको पता हो कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर मैं ये याद करके जाऊंगा ऐसा मत कीजिए ठीक है तो बेसिक अपने क्लियर रखिए डाउट्स आपके क्लियर होना चाहिए जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपका स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए ठीक है दिस इज ओनली द थिंग विच दे आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट अकाउंट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं सीए वगैरह वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपका अकाउंटिंग पे अच्छा होल्डिंग होना चाहिए दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स दीज आर द वेरी बेसिक यू नो नॉलेज विच दे वुड लाइक टू चेक एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल वर्बलेबिलिटी इंग्लिश का पेपर इज वेरी सिंपल ठीक है ब्रोशर वगैरह से अगर आप बेसिक मैथ्स आपका क्लियर है अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें भी आप ऐसे ही सोल्व कर लोगे ठीक है एरर फाइंड आप यू ही कर लोगे तो इट इज नॉट अ वेरी बिग टील सो जस्ट डोंट गेट पैनिक गिव 100% of your time in preparation rather than wasting your time in searching for the materials. There is no material available to prepare for Hawkins. And if somebody gets to know about it, then you can inform me as well. As far as I know, Kuch BS is available. Hai. No previous year question papers, nothing. So uh, just give time, prepare for it, and all the very best to all of you. Take care. Bye-bye.